थोड़ा सिम का भी इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत क्लाइमेटाइजेशन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने होटल से बाहर, और प्लान है मार्केट की तरफ बढ़ने का, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें वहाँ से। थोड़ा सिम का भी इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो शायद मैं जियो सिम भी ले लूँ। और खाने का हिसाब किताब भी पता करते हैं, क्योंकि जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हूँ वहाँ पे आपको स्नैक्स तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर लंच डिनर ये सब आपको बाहर जाके ही करना पड़ेगा। उनसे मैंने पता किया, उन्होंने बोला कि रात के 9 बजे से पहले ही आप वो डिनर कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ के लोकल से मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि जो मार्केट है मेरे हॉस्टल से इतनी दूर नहीं है, और मेरे ख्याल से आधा रास्ता तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कुछ ही मिनटों के रास्तों में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे कुछ इस तरह की मार्केट मेरे को देखने को मिलेगी। जस्ट हैव अ लुक। ये मत देखिए यहाँ क्या मिलता है, इस ऑर्गेनाइज मार्केट का नज़ारा बस देखते ही बनता है। चुका हूँ ले की मार्केट में, और यहाँ पे कई चीज़ें हैं खरीदने के लिए। यहाँ आपको पश्मीना शॉल भी मिल जाएंगे। मैंने मसालों के एक पूरी व्यू देखी है यहाँ पे लगी हुई। सिम कार्ड, बाइक्स, ये तो ये अवेलेबल है यहाँ पे। व्हाट इज योर नेम? ओके, इट्स फ्री। हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज विक्रम तमान। ओके तमान, तो आई जस्ट हैड अ वर्ड विद देम। एक्चुअली मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत थी, तो मुझे कोई लोकेशन मिल नहीं रही थी जहाँ से मैं अपना सिम कार्ड खरीद सकूँ। तो जस्ट मैंने इनसे प्रोएक्टिवली पूछा, तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया दे विल टेक मी देयर, और वहाँ से सिम खरीदने के बाद फिर मैं बाकी की जो मार्केट है एक्सप्लोर करूँगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे इस मार्केट में और क्या क्या चीज़ है जो कि स्पेशलाइज है यहाँ के लिए? ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, यहाँ के बेस्ट डिशेस कौन सी है यहाँ की लोकल? लोकल, हाँ जी, थुप्पा। थुप्पा, इट्स वेजिटेरियन और नॉन वेज? आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा। अच्छा, दोनों तरह का थुप्पा होता है वो? आटे से, वो आटे से बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। अच्छा, कहाँ से मुझे मिल सकता है ये, क्योंकि रात को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। आपको यहाँ से लद्दाख की रेस्टोरेंट में कभी भी जाए आपको मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा? यस। अच्छा, आर यू स्टूडेंट और व्हाट? आई एम ए स्टूडेंट। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में हो? 10th class। ओके, तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मैन, यू डू ब्रो। यस। ओके, तो पहले मैं सिम ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया लड़का था, लेकिन मेरी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी समझ में आई मुझे, कि अगर आप यहाँ से सिम ले रहे हो और आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो आपको सिम नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड को ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी शो किया,
जिससे मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ से एक जगह बता रहे हैं मुझे कि यहाँ पे जाओ तो शायद तुम्हें सेम मिल जाए, तो बस अब वहीं जाने का प्लान है, देखो क्या होता है। सॉफ्टी कॉर्नर, चलो पहले सॉफ्टी खाई जाए। प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने, फिलहाल मैं अभी सिम लेने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने भी मुझसे वोटर आईडी मांगा तो फिर मेरे पास प्रूफ नहीं होगा देने के लिए, तो खा मखा की परेशानी। इसलिए पहले मैं हॉस्टल जाऊंगा, वहां से वाईफाई कनेक्ट करके अपने घर वालों से बात करके वहां से वोटर आईडी मंगाऊंगा और उसके बाद सिम लूंगा। सारी मार्केट देखने के बाद अब मैं हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट का कवर नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा फर्स्ट डे है, तो थोड़ा बहुत क्लाइमेटाइजेशन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे स्टमक में भी थोड़ा पेन है और थोड़ा सर भी भारी लग रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल से जो बात करी है उससे पता चला है कि दैट इज़ नॉर्मल। तो बस उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि जल्दी से आप वातावरण के अनुकूल ढल जाएँ। उसके बाद कल मैं यहीं पर भी जाने का प्लान करता हूँ, उसकी अपडेट आपको देता हूँ।